नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और आपको बता दें कि ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे जनता के पास जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड की, तो वहां सातवें चरण में 15 नवंबर को मतदान होना है। इसी कड़ी में नारायणपुर पंचायत के मुखिया प्रभा देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और उनके पति शिव पूजन प्रसाद उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड की, तो यहां सातवें चरण में 15 नवंबर को मतदान होना है, जहां जितने भी प्रत्याशी हैं और अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। ताकि यह पंचायत जो है ग्राम पंचायत नारायणपुर है और नारायणपुर से यहां से बीकॉम यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हुई हैं जो प्रत्याशी हैं, इनका नाम है प्रभा देवी और इनके जो पति हैं शिव पूजन प्रसाद बीएससी ऑनर्स हैं। दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और यह महिला जो है चुनावी मैदान में है प्रभा देवी। सबसे पहले जानेंगे इनके पति से जो यहाँ के शिव पूजन प्रसाद हैं नारायणपुर पंचायत के, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने पत्नी प्रभा देवी को, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ कमियां रहीं जिसको लेकर यह चुनावी मैदान में है। सबसे पहले डीटी भारत में आपका शिव पूजन जी बहुत बहुत स्वागत है। आप चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को उतारे हैं, क्या कुछ कमियां रहीं? कमियां तो बहुत कुछ है, पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ जी। अब तक जितने भी यहाँ के मुखिया बने किसी न किसी के अधीन में रहकर काम किए, जिसके चलते उचित व्यक्ति तक विकास का काम नहीं पहुँचा जी। ये हम लेकर उतरे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जितना भी शिक्षा को ध्यान देना होगा हम देंगे। अब तक जितने भी प्रतिनिधि हुए किसी भी स्कूल में क्या व्यवस्था है, नहीं है, पढ़ाई हो रही है, नहीं है, कभी किसी स्कूल में नहीं गए। शिक्षा की आपने बात की जी, शिक्षा की बात कर ले तो प्राइवेट विद्यालयों में जिस तरीके से जो लोग पढ़ा रहे हैं और गरीब के बच्चे जो है आधुनिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं जी, सरकारी विद्यालय में आधुनिक शिक्षा से बच्चे महरूम हैं, इसको लेकर आप यदि आपको जनता चुन लेते हैं इनको प्रभा देवी को, तो किस तरीके से आप शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे? मैं ज़्यादातर जोर दूंगा सरकारी विद्यालय पर जी, क्योंकि ये सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट में ही होना चाहिए पढ़ाई जी। प्राइवेट तो बहुत से पैसे कमाने के लिए खोल रहे हैं। देखिए मैं भी अभी 500 बच्चों के कोचिंग करा रहा हूँ जी, लेकिन पूछ लिए 100 रुपये से ज़्यादा फीस कहीं भी नहीं जी, जी। मैं अपने यहाँ 100 रुपये फीस पर गरीब बच्चों को निःशुल्क एक तरह से कहीं तो पढ़ा रहा हूँ जी, और इसमें मेरा सहयोग दे रही है मेरी पत्नी प्रभा देवी जी। सहयोग लेडीज सीट है जी, लेडीज सीट में जब तक योग्य प्रत्याशी नहीं रहेगा, किसी भी पदाधिकारी के यहाँ या किसी भी मंत्री से बात करना हो, किसी से बात करना हो, बात करने में अक्षम हो। अब तक तो यही हुआ है, कोई बात नहीं कर पाया। अभी वर्तमान में जो भी मुखिया हुआ, मैं क्या कहूँ, पंचायत में कभी भी नहीं घूमे, इसी विशेष में कुछ नहीं कहूँगा पिछले बारे में। अच्छा, परिपाटी जी, परिपाटी इसी पूजन में बदल चुकी है, कई तरह के चुनाव जीतने के लिए दमखम लगाया जा रहा है जी। नाम तो नहीं लेंगे लेकिन जिस तरीके से चुनावी परिपाटी में जिस तरीके से युवाओं को भटकाया जा रहा है जी, लेकिन आपके पास भी युवा कई है, मेरे पास भी युवा है। मैं किसी भी युवा को किसी भी नशीली पदार्थ से भटकाने का काम नहीं करूंगा। मेरे साथ जितने भी व्यक्ति हैं निस्वार्थ हैं, मेरे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि अपना वोट देके मुझे जिताएंगे जी, वोट देके जिताएंगे। अब बात कर लेते हैं, रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चिनारी के अगर क्षेत्र की बात कर ले तो असिंचित रहा है जी। आपके पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ रहा, किसानों को जो है खेतों तक पानी पहुँच रहा है? जी हाँ, हमारे यहाँ किसानों को खेतों में पानी पहुँच रहा है जी। हमारा पंचायत जो है नहर से भरा हुआ है, चारों तरफ पानी पहुंच रहा है। लेकिन अब किसानों की बात तो हो गई, अब स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, 2 साल से देश ग्रसित है, ऐसे में जितने भी बाहर से प्रवासी मजदूर आए उन लोगों को जो वर्तमान में प्रतिनिधि थे उन लोगों को के द्वारा कहा गया कि मनरेगा से जोड़कर इन्हें 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिलाया जाएगा, लेकिन आपके पंचायत में क्या स्थिति रही बताना चाहिए? स्थिति अच्छी रही, मनरेगा में काम हुआ है, काम रही काम। अच्छा, आवास हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पंचायत में, आवास नहीं पूर्ण हुआ है जी, आवास परिपूर्ण नहीं है, बहुत से व्यक्ति हैं जिनको रहने के लिए अभी आवास नहीं है जी, वो बनवाने का मैं काम कर रहा हूँ जी। और जनता से इस बार क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील मेरा ही है, सबका काम, सबका विकास, सबके साथ में रहूँगा। शिव पूजन भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी चूंकि यहाँ के प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि से बात हुई, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, बीएससी हैं और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, किस तरीके से अपने क्षेत्र को देखती हैं और आप जीत जाती हैं, जनता यदि आपको चुन लेती है तो शिक्षा में किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहेंगे आप? शिक्षा में यही चाहूंगी कि सब लोगों को जागरूक करो कि अपने बच्चों को पढ़ाएं,
और जितना हो सरकारी स्कूल में, ताकि सरकारी स्कूल में कम पैसे में मतलब निःशुल्क पैसा बल्कि पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा रहेगा यही, और सब लोगों को जागरूक करूँगी। महिलाएं आपके साथ दिख रही हैं, कई महिलाएं हैं जी, लेकिन गांव की स्थिति की बात कर रहे हैं तो कई महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, ऐसे में आप जीत जाती हैं तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए क्या कुछ कर पाएंगी? उनकी पूर्ण सहायता करूंगी जी, पूरी सहायता करूंगी और उनको जागरूक करूंगी कैसे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें और उनसे बोलें जी। अब हम जानना चाहेंगे कि बच्चियों की बात कर ले, गरीब बच्चियाँ जो होती है, महिला किस लिए बात करते हैं, क्योंकि संविधान में आप लोग की विभागदारी है, आधी आबादी की आप लोग जो है हकदार है, तो इस हकदार के अंतर्गत आप लोग से बात करेंगे कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के कई तरह के जो है, जैसे कि अब पंचायतों में बात चल रही है कि हर जगह सोलर लाइट लगेंगे और कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो बच्चियाँ विद्यालय जाती हैं कई तरह के उन्हें सामना करना पड़ता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर बच्चियों को क्या कर पाएंगी? उन्हें जागरूक करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि मैंने किस तरह अपने आप को बचाना है और किस तरह मैंने पुलिस से सहायता लेनी है, ये सारी बातें उनसे बताएंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ स्वास्थ्य के, उनको जैसे कोरोना ही है तो उनको स्वास्थ्य कैसे बचना है, अपने आप को किस तरह बचाना है, क्या करना है, ये सारी उनकी बातें बताएंगे, जागरूक करेंगे। और जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? जनता से यही अपील करेंगी कि वो अपने अधिकारों को जाने और अपने योग्य उम्मीदवार देख के वो लोग वोट दें, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं है, कई प्रत्याशी हमारा दमखम लगा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, लेकिन आप जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में करना चाहेंगे? जनता को यही कहूंगी कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आदमी को देखें वो और जागरूक रहे कि किस किसको हम सही व्यक्ति को वोट दें जी, यही उन्हें करेंगे और जो भी उनके मतलब मुखिया के क्षेत्र में जितना भी काम आएगा मैं उनको पूर्ण सहायता करूंगी। छठ का समय आ रहा है जी, स्वच्छता को लेकर बात हो रही है, छठ में ही लोग साफ सफाई गांव करते हैं, ऐसे में आपके नजरिए में स्वच्छता को लेकर क्या है? स्वच्छता की गांव को आसपास सारा साफ करें, नदी नाले मैंने उसमें गंदे नाले ना डालें, यही सब बताएंगे, पर्यावरण से संबंधित सारा कुछ बताएंगे जी जी, शिक्षित जागरूक करेंगे उन लोगों को कि सब कुछ भी ना करें, गंदगी चारों तरफ ना फैलाएं, सफाई करें और सारे साफ काम सबसे करें। महिला के तौर पर प्रभा देवी कैसे दिखा था, कैसा बालो? अच्छा भाई, अच्छा भाई, बोली अच्छा भाई, सब तरीके से अच्छा भाई, पढ़ावे में लिखावे में हाँ। बच्चन के शिक्षा देवे में हाँ। सब अच्छा है, सब मैंने इस बार लगा था चुनाव जीत जी, हाँ अच्छा, बाकी चुनाव जीता है अच्छा, रवा का काम था तभी पंचायत में जितने भी महिला प्रत्याशी मुखिया के हैं उसमें सबसे बोल्डली प्रभा देवी हैं, क्योंकि जितने भी हैं एक दो को छोड़ करके बाकी सब अशिक्षित हैं और ये पढ़ी लिखी अच्छी हैं और कोई भी काम करने के लिए, विकास के लिए, चाहे किसी भी यानी बड़ी काम के लिए इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या लगता है चुनाव इस बार निकल जाएगा इनका? लगता है यही है और हम लोगों का अधिक प्रयास है कि इनका चुनाव हम लोग निकाल दें। नाम बताएंगे अपना? प्रसिद्ध पांडे कलपूजा। प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं उनके पति, कैसा व्यक्तित्व है इन लोगों का? बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। क्या लगता है इस बार चुनाव? चुनाव हम लोग अब इस बार निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं जी हाँ। अपेक्षा है इनसे? जी हाँ। नाम बताएंगे अपना? श्री कृष्ण प्रसाद।